स्मार्ट तो हम ये है खाली थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये टाइप 3 है और टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 21 मतलब टाइप 3 में पहला क्वेश्चन ही है 21 नंबर। क्या है क्वेश्चन में कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, जबकि बी तथा सी दोनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, एंड सी एंड ए मतलब सी प्लस ए इन 20 डेज, जबकि सी तथा ए मिलकर इस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब कंडीशन क्वेश्चन का बदल गया, कंडीशन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठीक है, तो अब आपने क्या देखा यहां पर कि आपके आंसर आ गया 10 डेज और ये 10 डेज ऑप्शन में भी अवेलेबल है, कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में पहले भी करवाया हूँ, अब भी आपने देख ला। अब आप बताएं कि इसमें किसी को कोई समझने में दिक्कत हुई हो तो बताएं, बोलिए, अगर किसी को कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए, है कोई कन्फ्यूजन, ये तो बोलो जोर से, नो सर, हाँ तो ऐसे बोलो कि अगर कन्फ्यूजन है तो आप पूछो कि कहाँ दिक्कत रह गई, अगर नहीं है कन्फ्यूजन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलिए कि हाँ सर कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद अब आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड पे एक बार 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, तो क्वेश्चन नंबर 22 सभी ट्राई कीजिए। They work together for 10 days. मतलब वे तीनों लोग मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। वे तीनों मिलकर 10 दिन तो काम 10 दिनों तक काम करते हैं। तब क्वेश्चन में पूछा है कि how long will A take to finish the remaining work? तो बताइए कि 10 दिन तीनों मिलकर साथ काम करने के बाद जो बचा हुआ काम है उस बचे हुए काम को A अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्वेश्चन को समझ चुके हैं आप लोग? बोलिए क्वेश्चन को समझ चुके हैं? हाँ, तो अब क्या है कंडीशन क्वेश्चन का, एक बार हिंदी में समझते हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में, जबकि बी तथा सी उसी काम को 24 दिनों में, तथा सी और ए दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी मतलब वे क्या, यहाँ क्या मतलब हो गया कि वे सभी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सभी लोग मिलके 10 दिन तक काम किया। अब बचा कि 10 दिन काम करने के बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा है, जो बचा हुआ वर्क है, उसको कौन ए कितने दिनों में पूरा करेगा, यही तो निकालना है, वी हैव टू फाइंड। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं पता है आपको? सबसे पहला काम क्या करेंगे ए और बी, जैसे लिखते हैं ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में। B प्लस सी 24 डेज में और C प्लस ए 20 डेज। 30, 24 और 20 की एलसीएम लेनी है, कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है इसमें, 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 30 का टेबल 30 दूना 60, 24 से कटेगा नहीं कटेगा, 30 या 90 24 से नहीं कटेगा, 3 चौका 12 120, 120 24 से भी कटेगा 20 से भी कटेगा, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 120 वर्क। अब इस 120 वर्क को, इस 120 वर्क को, ठीक ना, इस 120 वर्क को ए प्लस बी कितने दिनों में करना चाहता है? 30 दिनों में। तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 वर्क पर डे। 24 से 120 कितना बार में कटता है? कितना बार में? कितना बार में? 24 से कितना बार में? 5 बार में ना, 24 पच्चीस 120, 5 वर्क पर डे। और 20 से कटेगा कितना बार में? 6 बार में। तो 20 छाक 120।
अब आपको बताए थे कि अगर इन सभी को आपस में आप जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 5, 15 टोटल कितना हो जाएगा 15 वर्क पर डे। लेकिन 15 वर्क पर डे में कितने लोग शामिल होंगे तो सब शामिल हो जाएगा। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी। कितनी बार? तो दो बार ए शामिल हो रहा है, दो बार बी शामिल हो रहा है और दो बार सी शामिल हो रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 2 into A+B+C की इफिशियंसी कितनी हो गई 6, 4, 10, 5, 15 वर्क पर डे। अब अगर केवल ए प्लस बी प्लस सी निकालना होगा तो क्या करेंगे 15/2 वर्क, यही है कंडीशन। अब इसके आगे का जो कंडीशन है उसमें क्वेश्चन में ये बोला कि वे सभी मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, मतलब 15/2 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 10 दिनों तक काम हुआ है। एक दिन में 15/2 वर्क करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, तो गुना 10 कर देंगे, 2 से कैंसिल, 5 × 10, 15 × 5 कितना 15 × 5 75 ना, 15 × 5 75, तो टोटल 75 वर्क कंप्लीट हो गया। टोटल था कितना वर्क 120 में से 75 कंप्लीट, 120 में से 75 कंप्लीट, बचा कितना 120 - 75, तो बचा कितना बोलिए 45। अरे भाई 25 इधर 20 इधर, तो 20 20 40 45, बचा कितना 45। इस 45 वर्क को किसे पूरा करना है, ए को। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कौन सा है 45। ए की इफिशियंसी कितनी है अब बताइए, अब फिर ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी आपको। ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी है 15/2, मींस की 7.5 वर्क पर डे। अब तीनों ए बी और सी की इफिशियंसी है 7.5, ए की इफिशियंसी निकालनी है मतलब बी सी की इफिशियंसी घटानी पड़ेगी। ए बी सी तीनों मिलके 7.5 रुपया खर्चा करता है और बी और सी मिलके 5 रुपया खर्चा करता है, तो ए की इफिशियंसी बचा कितना 2.5। अब 45 वर्क को 2.5 वर्क पर डे की इफिशियंसी से कितने समय में खत्म होगा, पॉइंट हटाएंगे तो गुने 10, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25 और 5 से कितना बार में 9 times, 9 × 2 कितना दिन 18 days। ए बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा 18 दिन में पूरा करेगा, ठीक ना। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, जबकि बी उसी काम को अकेले 12 दिनों में समाप्त करता है। बी एलोन वर्क फॉर 4 days, बी यदि मतलब यहां पे क्वेश्चन को क्या लिखना था कि इफ बी एलोन वर्क फॉर 4 days, अगर बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, आफ्टर दैट उसके बाद हाउ लॉन्ग विल ए एलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो उसके बाद जो बचे हुए कार्य हैं उसको ए अकेला कितने समय में पूरा करेंगे। जैसे हिंदी में पढ़िए, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, उसके पश्चात जो बचा हुआ काम है उसको ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब समझिए, ए एंड बी लिखते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिनों में 8 days में, वाइल बी अलोन कितने दिनों में 12 days में। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए प्लस बी इस 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 8 और 12 की एलसीएम कितनी होगी, 8 और 12 की एलसीएम कितनी होगी, 12 की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, 12 × 2 = 24, 8 से भी कैंसिल हो रहा है, एलसीएम होगा 24। टोटल वर्क कितना हो गया 24 वर्क, टोटल वर्क कितना हुआ 24। इस 24 को 8 डेज में ए प्लस बी के द्वारा खत्म करना है, तो वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी 3 वर्क पर डे, ऐसा होगा। इन द सेम वे इस 24 वर्क को बी के द्वारा 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी 2 वर्क पर डे। समझ पा रहे हैं?
अब कंडीशन क्या बोला कि बी अकेले चार दिनों तक काम करता है। अब ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी है 3 वर्क पर डे, जबकि बी की अकेली इफिशियंसी कितनी? 2 वर्क पर डे। तो अब आप समझ सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि बी की इफिशियंसी है 2 वर्क पर डे, ए और बी दोनों की इफिशियंसी है 3 वर्क पर डे, तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 1 वर्क पर डे। अरे भाई ऐसे समझो कि ए और बी दोनों मिलके 3 रुपया खर्चा करता है, जिसमें बी 2 रुपया खर्चा करता है, तो ए अकेला कितना रुपया खर्चा करेगा? 1 रुपया। अब क्वेश्चन के कंडीशन पे आते हैं। क्वेश्चन के कंडीशन में बोला कि बी एलोन वर्क फॉर 4 डेज, बी अकेला 4 दिनों तक काम करता है, बी की इफिशियंसी है 2 वर्क पर डे, 4 दिन काम करेगा तो 4 × 8 वर्क कंप्लीट किसके द्वारा? बी के द्वारा। टोटल वर्क कितना? 24 में 8 कंप्लीट, बचा कितना? 24 में 8 खत्म, बचा कितना? 16। इस 16 वर्क को कौन पूरा करेगा, किस इफिशियंसी से? 16 लड्डू है, एक लड्डू डेली खाता है, कितना दिन चलेगा? 16 दिन, 16 × 1 16 डेज। देखिए तो कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर कौन होगा? 16 दिन, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ में आई बात है कि नहीं? सभी लोग समझ चुके हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, नोट कर लिए। मिटा देना। अब देखिए आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। क्या है कि ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, वे दोनों साथ मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। एंड देन ए लेफ्ट, और तब ए काम छोड़कर भाग जाता है। द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाई बी इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मेनी डेज। तो बताएं कि बचे हुए कार्य को बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा। हिंदी में क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन तथा 24 दिन में पूरा करता है। क्रमशः का मतलब क्या कि ए 18 दिन में और बी 24 दिन में। उन्होंने मतलब कौन कौन? ए और बी 8 दिनों तक साथ काम किया तथा उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा, बचे हुए कार्य कितने दिनों में होगा। तो सबसे पहले इस कंडीशन, इस तरह इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो यही करना है ना, एलसीएम। ए किसी काम को 18 दिन में, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में। 18 और 24 की एलसीएम कितनी होगी, बोलिए कितना बार में? तो 24 × 48, 18 से नहीं कटेगा, 24 × 72, 72। टोटल वर्क कितना हुआ? 72 वर्क। इस 72 वर्क को ए के द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाना है, तो ए की वर्क इफिशियंसी कितनी होगी? 4 बार में ना कटेगा, 72/18 होगा, तो 18 × 72 ना होगा, तो इफिशियंसी कितनी होगी? कितनी होगी? 4 वर्क पर डे। तो इफिशियंसी हो जाएगी इसकी 4 वर्क पर डे। इन द सेम वे इसी 72 वर्क को बी के द्वारा 24 दिनों में पूरा किया जाना है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 वर्क पर डे होगा ऐसा। अब बोला क्या कंडीशन में दोनों ने, कि उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलकर साथ में 8 दिन तक काम किया।
अच्छा दोनों मिलेगा तो एक दिन में ए चार करता है, बी तीन करता है, दोनों मिलेगा तो कितना काम, सात। तो सेवन वर्क पर डे की इफिशियंसी से आठ दिन में कितना काम समाप्त, तो सेवन इंटू एट 56, 72, 72 में से 56 वर्क कंप्लीट, तो बचा कितना, 56 चार 60, उधर 12 चार 16, कितना वर्क बच गया, इस 16 वर्क को किसे पूरा करना है, ए, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, तीन। तो बी की इफिशियंसी यदि 3 है तो इस 16 वर्क को पूरा करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 3 वर्क पर डे से, 16/3 का मतलब क्या होगा, तो 5 × 3 = 15, 5.1/3 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में इतना लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में इतने लंबे प्रोसेस से नहीं बना रहे हैं, एग्जाम में देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा समझिए कि आपके घर में कितना लड्डू था, 72, स्टार्टिंग में कितना था, 72, दोनों ने मिल के खाना शुरू किया, दोनों का एग्रीमेंट हुआ, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खाएंगे लड्डू, लेकिन क्या हुआ, 8 दिनों के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, 8 ही दिन के बाद ए और बी दोनों में झगड़ा हो गया, 8 दिन के बाद ए और बी में झगड़ा हो गया, और कौन छोड़ के भाग गया, ए छोड़ के भाग गया, ए अपने हिस्से का लड्डू खाया होगा 8 दिन तक, और 8 दिन के बाद छोड़ के भाग गया, बचे हुए लड्डू को कौन खाया, बी। अच्छा बी कब से कब तक है, शुरू से अंत तक है, बी कब से कब तक है, शुरू से अंत तक, तो ए अपने हिस्से का 8 दिन का लड्डू खाया होगा, ए एक दिन में कितना लड्डू खाता है, 8 दिन में कितना खाया, 32, 8 × 4 = 32 लड्डू खा लिया, ए 72 में से 32 लड्डू खा के भाग गया, 72 में से 32 लड्डू खाया और भाग गया, बचा कितना, बचा कितना, 40, इस 40 को कौन, बी, कब से कब तक, शुरू से लेकर अंत तक, बी कब से कब तक, शुरू से अंत तक, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 3, बी की इफिशियंसी है कितनी, 3, मतलब ये कितने दिनों में, 40/3 दिन में शुरू से अंत तक, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि बताइए टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल काम समाप्त होता 40/3 दिन में, टोटल काम समाप्त होता 40/3 दिन में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 8 दिन के बाद कितना दिन काम चला है, तो इस 40/3 में से 8 घटा दीजिएगा, 40/3 का मतलब हो गया 13.1/3 दिन, ये तो टोटल काम चला, आज इसमें 8 दिन तक दोनों साथ साथ काम चला, तो जो बच जाएगा वही ना बी के द्वारा बचे हुए कार्य को पूरा करेगा, तो 13 में से 8 घटा दिए कितना बच गया, 5.1/3 दिन, और यही 5.1/3 दिन तक बी के द्वारा काम किया गया है, ठीक है, समझ गए, समझ गए तो आप इसको नोट करिए, अगर कहीं नहीं समझे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, बोलिए, नोट करिए इसको, समझ कैमरा स्टार्ट है क्या, स्टार्ट है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर, इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लोग को आप लोग ट्राई करिए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आप उनसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, एंड बी इन 12 डेज, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर, वे दोनों साथ काम शुरू करते हैं, बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, लेकिन बी क्या करता है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, इन हाउ मेनी डेज इन ऑल वेयर द वर्क कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, मतलब हिंदी में पढ़िए क्या है, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 12 दिनों में कर सकता है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक ना, फाइंड द टाइम इन विच होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, समझिए क्वेश्चन में क्या है, ए किसी काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में, 18 और 12 की एलसीएम, सबसे पहला काम 18 और 12 की
एलसीएम लेंगे, 18 दुना 36 बार किया 36, मतलब टोटल वर्क कितना 36 वर्क, 18 से कितना बार में, सॉरी 18 दुना 36 टू वर्क पर डे और 12 किया 36 थ्री वर्क पर डे हो गया। अब क्वेश्चन के कंडीशन पे आइए, कंडीशन में क्या बोला कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है, बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया होगा, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दे बिगन द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन अंतिम के 3 दिन में बी छोड़ दिया, तो अंतिम का 3 दिन कौन काम किया होगा, ए अकेला अंतिम का 3 दिन काम किया होगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 वर्क पर डे, इफिशियंसी कितनी है 2 वर्क पर डे, 2 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 3 दिन में कितना काम 6 वर्क कंप्लीट, टोटल 36 में से 6 वर्क कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, इस 30 वर्क को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके किस एफिशिएंसी से, तो 3 प्लस 2 5 वर्क पर डे की एफिशिएंसी से 30 वर्क को पूरा करने में कितना दिन लगेगा 6 डेज। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, तो टोटल वर्क पूरा करने में 30 वर्क में 6 दिन लगा था और इधर इस 6 वर्क में 3 दिन लगा था, तो टोटल टाइम कितना 6 प्लस 3 9 डेज। देखिए तो कहीं ऑप्शन में है क्या 9 डेज, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना 9 डेज ऑप्शन, देखिए तो है 9 डेज ऑप्शन नंबर डी भी 9 डेज है, ठीक है, तो समझ में आया होगा, नोट करिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सुनिए, इसको हम लोग आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग इजीली कैसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार उसी क्वेश्चन को देखिए और हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 था ना, क्वेश्चन नंबर 31 को एग्जाम में क्या करना है, क्या है कंडीशन क्वेश्चन का, कि ये तो एक तरीका हो गया, बेसिक तरीका हो गया। अब आप समझिए कि देखिए दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए और बी, ठीक ना, दो लोग हैं ए और बी और दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब काम समाप्ति की तरफ था तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ था क्या बोला, बी कहा कि नहीं अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं छोड़ के भाग गए, क्या हुआ, बी कह रहा है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, ए बोला कि ठीक है तो चले जाओ, बी बोला कि हम छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बोल सकता है कि या तो तुम चले जाओ, या नहीं तो एक कोशिश करेगा कि भाई अच्छा बात नहीं है, जब दोनों साथ साथ शुरू किए हैं तो साथ साथ खत्म भी करेंगे, नहीं जिंदगी की शुरुआत अगर दोनों साथ साथ किए हैं तो साथ साथ खत्म भी करेंगे, देखो इसमें कितना हंसी आ रही है सबको, अब ये बात सबको कितना अच्छा से समझ में आ गया। लेकिन क्या हुआ, अब बी जो है वो छोड़ के जाने की बात कर रहा है, तो ए क्या कर रहा है, समझा रहा है इसको कि भाई तू किसी भी कीमत पे रुक जा, तू जो कहेगा हम मानने के लिए तैयार है। तब बी बोला कि देखो टोटल 36 लड्डू था, 3 दिन का लड्डू घट गया किसके लिए, बी के लिए, कहा कि 3 दिन के लड्डू का व्यवस्था करो हम रुक जाएंगे, 3 दिन के लड्डू का व्यवस्था करो हम रुक जाएंगे, तो अब समझो कि 3 दिन के लड्डू का व्यवस्था करना है किसके लिए, बी के लिए, बी एक दिन में कितना खाता 3, तो 3 दिन में कितना खाएगा 9, मतलब 9 लड्डू का और व्यवस्था करना है, पहले से 36 था 9 और व्यवस्था करना है, कितना हो जाएगा 45। अब इस 45 को कौन, दोनों लोग मिलके किस एफिशिएंसी से, तो 3 प्लस 2 5, तो 45 बाई 5 कितने दिन में खत्म 9 डेज में खत्म। अब बोलो कि इधर से 9 डेज लाने में कितना टाइम लगा था, लेकिन यहां तो बस 3 दिन का लड्डू खिलाए, 9 लड्डू और खिला दिए, पहले से 36 था 9 खिला दिए 45 हो गया, 45 को किस एफिशिएंसी से, तो 5 की एफिशिएंसी से, आंसर 9 दिन बिना पेन का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, थिंक विदाउट इंक, बिना पेन का क्वेश्चन बन जाएगा, तो बोलिए समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, और क्वेश्चन नंबर 31 नोट करने के बाद आप बनाएंगे 32।